नमस्कार, मैं खुशबू सैफी आपका स्वागत करती हूँ एक्सप्रेस न्यूज भारत में। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी 400 साल पुरानी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आज हम आपको एक ऐसी महिला सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने 600 से ज्यादा कुंवारी लड़कों के खून से नहाया है। सुनने में जितना अटपटा और हैरानजनक लगता है, देखिए हमारी इस कश्मीर। दुनिया भर में कई सीरियल किलर हुए हैं जिन्होंने लोगों की हत्या करना या हत्या करने के बाद जो क्रूरता दिखाई उससे लोग दहे गए। इनमें कुछ महिलाएं भी हुई हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, वो दहशत से कांपने लगते हैं। ऐसी ही एक महिला सीरियल किलर थी एलिजाबेथ बाथरी। एलिजाबेथ बाथरी कुंवारी लड़कियों को मारकर उनके खून से नहाती थी। एलिजाबेथ बाथरी हंगरी की रहने वाली थी, वहाँ के राजघराने से ताल्लुकात रखती थी। उनके पति तुर्कों के खिलाफ युद्ध में हंगरी के हीरो थे। एलिजाबेथ अपने पति के सामने भी निर्दोष लड़कियों का खून बहाने से नहीं चकती थी। कुंवारी लड़कियों का खून करना उसका शौक था। वैश्य महिला ने 1585 से 1610 के बीच करीब 600 से ज़्यादा कुंवारी लड़कियों का खून बहा दिया। इसलिए इसे दुनिया की सबसे खतरनाक और वैश्य सीरियल किलर के रूप में जाना जाता है। एलिजाबेथ बाथरी के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी पढ़ी लिखी महिला थी जिन्हें कई तरह की भाषाएं आती थी। वे अपने समय से आगे थी और काफ़ी जिज्ञासु भी थी। एलिजाबेथ बाथरी को पढ़ने का बहुत शौक था। वे वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, जीव विज्ञान, धर्म और मनोगत जैसी विषयों को पढ़ना पसंद करती थी। सिर्फ हत्या ही नहीं, कहा जाता है कि हत्या के बाद वे उनके खून को एक टब में भरती थी, फिर घंटों इससे नहाती थी। उनके खून को टब में इकट्ठा कर स्नान करती थी। इस काम में उसके 3 नौकर मदद करते थे। कहानियों के अनुसार उसे कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने का शौक था। इसी के चलते वह लड़कियों को अपना शिकार बनाती थी। कहते हैं उसके दिमाग में हमेशा से एक पागलपन था कि वह कमसीन कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने से उसकी जवानी सारी उम्र बरकरार रहेगी। इसी फितूर ने उस कथित तौर पर दुनिया की नंबर 1 एक सीरियल किलर बना दिया। आपको बता दें, उपन्यासकार ब्राम स्टोकन के बाथरी के जीवन पर आधारित एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम ड्रैकुला था। उपन्यास के मुताबिक बाथरी के निशाने पर ज्यादातर गांव की लड़कियां होती थी क्योंकि वह आसानी से उसके चंगुल में फंस जाती थी। एलिजाबेथ बाथरी इन लड़कियों की हत्या करने से पहले कई तरह की यातनाएं देती थी। वे लड़कियों के नाजुक अंगों को जला देती थी। कभी कभी तो उनके मांस को अपने दांतों से काटकर अलग कर देती थी। कहा जाता है लड़कियों को मारने के बाद वे उनके खून को एक बाथटब में जमा करती थी और उनके इस काम में उनके नौकर उनकी सहायता करते थे। वहीं जब एक एक करके लड़कियां गायब होने लगी और आसपास उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी तो लोगों को एलिजाबेथ बाथरी पर शक हुआ। कहा जाता है कि इसके बाद उन पर नज़र रखी जाने लगी। इसी दौरान कुछ लड़कियों का उनके महल से किसी तरह से बचकर भाग निकलना और उन्होंने गांव वालों की इसकी पूरी कहानी सुनाई, जिसके बाद आसपास के लोग उन लड़कियों की बात सुनकर हैरान रह गए। इसके बाद गांव वालों ने एलिजाबेथ बाथरी की शिकायत हंगरी के राजा से की, जिसके बाद एक जांच दल बनाया गया। जब जांच दल एलिजाबेथ बाथरी के महल पहुँचा तो वह हैरान रह गया। महल में लड़कियों की लाशें बेड़ियों में बंधी हुई थी। इसके बाद एलिजाबेथ बाथरी और उनके 3 नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया। एलिजाबेथ बाथरी के नौकरों को फांसी की सजा सुनाई गई लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया और एक महल में उन्हें बंधक बनाकर रख दिया जहां उन्होंने आखिरी सांसें ली थी। दर्शकों, आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। नमस्कार।